बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है मटर पुलाव, इजी रेसिपी है, कोई भी ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, सिंपल है। वीडियो को पूरा देखें, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटर पुलाव बना रही हूँ आज। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल, क्योंकि 1 कप मैंने चावल लिए हैं। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, कोई ज़्यादा है इसमें इंग्रेडिएंट्स में शामिल नहीं करूँगी। मटर पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ग्रीन लहसुन, अच्छे से इसको पीस लिया है। मैंने लिए हैं ग्रीन कटी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें 3-4 हैं तकरीबन। फ्लेम मीडियम फ्लेम रखनी है। 1 टीस्पून भर के नमक, क्योंकि 1 कप चावल हैं तो उसमें ये अंदाजे से तो 1 कप ही मैं अच्छे से भून चुका है। हमने इसको डार्क कलर नहीं देना। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी, तकरीबन 2 कप पानी है। करूंगी मटर, मटर मैंने भूनते हुए नहीं डाले क्योंकि इससे और इससे इसका कलर भी ख़राब नहीं होता अगर हम इसको पानी में शामिल करें तो। ऐसे ही ये ग्रीन रहते हैं, इसका कलर भी ख़राब नहीं होता, इसलिए मैंने इसे पानी में शामिल किया है। मैं क्योंकि इसमें शामिल करूंगी 2 चिकन क्यूब्स, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप शामिल करें ऐड करें, आपकी मर्ज़ी है ना करें, लेकिन मेरे घर में ये पसंद किए जाते हैं तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे ताकि मटर हमारे अच्छे से गल जाएं। इसको 10 मिनट के लिए बॉयल आने देंगे। दस मिनट बाद चेक कर रहे हैं, ये देखें मटर अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें। अब मैं इसमें राइस शामिल करूंगी। उससे पहले मैंने 1 टीस्पून तकरीबन लिया है ब्लैक पेपर। अब मैं इसमें शामिल करूंगी राइस, सोक किए हुए हैं, 20 मिनट हो गए, मैंने इसको सोक करके रखा हुआ है, भिगो के मैंने रखे हुए हैं राइस। नमक चेक कर लेना है, अगर नमक कम या ज़्यादा है तो आप इसको सेट कर सकते हैं। नमक कम है तो मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं। मटर पुलाव में बॉयल आना शुरू हो गया, मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट बाद, इसको चेक करेंगे और फ्लेम को। चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा, इसमें हल्का सा मॉइस्चर है, अब मैं इसमें कपड़ा, एक साफ़ कपड़ा से इसको कवर कर दूंगी और चावल अच्छे से गल भी जाएगा, खिला खिला बनेगा। ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं दम पे लगाए हुए इसको। अब हम इसकी लिड उतार लेंगे। अब बहुत ही मज़े के रेडी हुए हैं।